आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी से दिव्यांग जनों हेतु किए गए कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने जिला दिव्यांग पुनर्वास नोडल अधिकारी को निर्देशित किया कि लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करना सुनिश्चित करें, जिससे दिव्यांग जनों को समय पर उसका लाभ मिल सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता व पुनर्वास कैंप स्थापित करें, जिसमें दिव्यांग जनों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं, उनको रोजगार से जोड़ने व दिव्यांग जनों के अभिभावकों को दिव्यांग जनों के विकास से संबंधित सहयोग की सूचना दें। जिलाधिकारी ने आयोजित बैठक में कहा कि जनपद के अंतर्गत दिव्यांगों को लगाए गए वैक्सीन टीकाकरण व टीकाकरण से वंचित रह गए दिव्यांगों की रिपोर्ट एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा बताया गया कि दिव्यांग जनों का UDID कार्ड हेतु 8036 आवेदन में से 4506 तक का पंजीकरण ऑनलाइन किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि जो पंजीकरण रह गए हैं उन्हें जल्द पूर्ण करें। साथ ही उन्होंने एक माह में दिए गए लक्ष्य की समीक्षा करने को भी कहा। इसके अलावा संबंधित संस्था द्वारा दो दिव्यांग जनों को सूक्ष्म लघु उद्यम में स्वरोजगार दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि जो 21 आवेदन अवशेष हैं, उन्हें एक माह के भीतर स्वरोजगार से जोड़ें। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग व पूर्ण आवास केंद्र को निर्देशित किया कि दोनों के आंकड़ों में अलग अलग संख्या आने पर सुधार करें। विकास खंडवार कंपाइल एकीकृत डाटा आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। उन्होंने दिव्यांग जनों से संबंधित प्रकरणों को प्रत्येक माह अनुमोदन व निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। न्यूज 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। 2011 ये कब से जमा कर रहे हो भाई, एक साल हो गया ना अब तो? 2018 से इन्होंने बनाना शुरू किया, उससे पहले कोई सॉफ्ट कॉपी में था नहीं। तो आप लोग कहाँ बना के रखते हो डेटा? नहीं, हमारे पास तो सर पूरा जो है ऑफलाइन डाटा था, पूरा जो है हार्ड कॉपी में था। बताओ 100 से ऊपर का लेते हो? 200 कर लेते हो? 200 कर लो। चलो अभी 30 दिन में कितने हो जाएंगे? 6000। एक स्टाफ हमने अपना भी दिया हुआ है इनको, ताकि ये आप दोनों जन मिले करिएगा। मुझे मतलब नहीं कि कौन कर रहा है, बट 6000 चाहिए। और जिसका 6000 नहीं आएगा उसका मैं एक महीने के बाद दोबारा रिव्यू करना है। ये सर कृत्रिम उपकरण और अंग के लिए जो हमारे पास में आ गए हैं, जो ब्लॉक वाइज। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।